नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न। किरनापुर पुलिस थाना किरनापुर में नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के मद्देनजर तहसीलदार पूर्णिमा भगत एवं थाना प्रभारी किरनापुर छत्रपाल सिंह बैस, सब इंस्पेक्टर प्रमोद कश्यप, राणा कल्याण सिंह एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधियों की प्रमुख उपस्थिति में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में दुर्गा उत्सव एवं दशहरा आयोजन का कार्यक्रम समितियों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने को लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर आयोजकों को गरबा स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। देर रात तक यह आयोजन न हो, ऐसी व्यवस्था बनाए। समितियों द्वारा अपने वॉलेंटियर भी तैनात किए जाने चाहिए। उसी प्रकार देवी प्रतिमाओं का विसर्जन एक ही दिन निश्चित एवं निर्धारित कर दिन के समय में ही करें, जिससे अनहोनी एवं दुर्घटनाओं होने से बचा जा सके। समिति के सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहे, हम लोगों से संपर्क करते रहे, साथ ही साथ नवरात्रि पर्व को देखते हुए व्यापारी बंधु अपनी दुकानों के सामान बाहर तक निकालकर ना रखे, सड़कों पर वाहन खड़े ना करें एवं ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सभी लोग सहयोग करें। वहीं बैठक समापन के पूर्व शांति समिति के सक्रिय सदस्य ग्राम पंचायत हिर्री के पूर्व सरपंच एवं क्षत्रिय राजपूत समाज संगठन ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह चौहान के हृदयघात से असामयिक निधन हो जाने पर सभी लोगों द्वारा खड़े होकर मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। पुलिस थाने में आयोजित शांति समिति की बैठक में जिला पंचायत सदस्य सुश्री डाली कावरे, जनपद सदस्य मुकेश चौहान, मनीष भीमटे, असीम चौहान, डीडी मेसराम, कमलेश कनौजे, सदाराम रहांगडाले, महेश सुलाखे, बेनी प्रसाद अग्रवाल, राकेश बोरकर, संजय सिंह चौहान, रवि अजीत, विकेश मेसराम, मंजित भीमटे, निखिल डोंगरे सहित क्षेत्र के अनेक ग्रामों के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेसराम की खास रिपोर्ट। एक घटना हमारे बीच में अभी कुछ दिन पहले घटी है। हमारा बड़ा भाई, हमारा मित्र अशोक सिंह चौहान जी की हृदय गति होने से उनकी देख हो गई थी। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। मैं आप लोगों को बता दूँ, जब से शांति समिति का निर्माण हुआ सर, तब से अशोक चौहान जी का हर कार्यक्रम में सहयोग मिला है। समय से पहले मेरे हिसाब से शांति समिति की बैठक में वो उपस्थित हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और उस काम के बाद में पहली बैठक शांति समिति की यहाँ पर दुर्गोत्सव समिति के कार्यक्रम को लेकर रखी गई है। तो मेरा निवेदन है हमारे बड़े भाई कल्याण सिंह राणा जी से कि वे 2 मिनट का मौन लें और अशोक भैया के भगवान सबके चरणों में कल्याण करें।